الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. मेरे गुमान के मुताबिक मैं आप सब एक बात की बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत मेरे गुमान में उस तरफ जाने के बजाय उसके उलट अपने सफर को जारी और सारी रखे हुए, मुसलसल एक चीज चाहते हैं और मुसलसल अपनी मंजिल के करीब होने की तरफ नहीं, मंजिल से दूर हुए जाते हैं। वो बात क्या है? मैं आप सब जन्नत में जाना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, अल्लाह अपने फजल से ले जाए। उसके जाने की बिला तरद्दुद किसी शक को शुबा के बगैर वाज़ेह राह है और उसमें कोई भी शक को शुबा नहीं, लेकिन उस राह पे चलने वाले अल्लाह जाने कहां है, और अगर हैं तो कितने थोड़े हैं, कहने वाले भी सुनने वाले। मगर जो अल्लाह के फजल व करम से खुश नसीब है, और अल्लाह करे मैं आप सारे खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाए। कौन है वो खुश नसीब जो जन्नत में जाने की चाहत के साथ जन्नत वाली राह पे है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर इसकी खबर दी है। आज के सबक में मैं आप वो खबर ले जाएं, अपने घरों में जाके तज़किरा करें, और मैं आप हमेशा अल्लाह से इल्तिजा करते रहें कि या अल्लाह वो राह हमें भी अता फरमाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में दाखिल होगा, मगर वो शख्स दाखिल न होगा जिसने जन्नत में जाने से इनकार किया। कोई इनकार करता है हाथ खड़ा करे, जो नहीं करता वो हाथ खड़ा करे। अब नहीं है हाथ खड़ा करने में तो है, लेकिन प्रैक्टिस में अमल में वहां हमारा खाना अल्लाह ठीक कर दे। फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो चुका, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। हजरात, सुबह से लेकर अब तक और अब से लेकर रात तक और फिर रात से सुबह तक देखें कितनी बातों में हम उनकी ताबेदारी करते हैं और कितनी बातों में उनकी नाफरमानी करते हैं। दो टोक बात है, हर ताबेदारी इस राह पे चलाती है, हर नाफरमानी रिवर्स गियर उल्टा गियर लगाती है। फजर की नमाज हम में से कितने लोगों ने
जमात के साथ अदा की। सवाल नंबर एक। इस सवाल में इंसाफ से मैं आप जवाब दें, इस सवाल के जवाब में जन्नत की राह पे कितने हैं और दूसरी राह पे कितने हैं? क्या हम सब फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए मस्जिदों में आए? अगर आए अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत भी की राह। और फिर सारा दिन अपने अपने कामों का जायजा लें। अगर मेरे आपके काम दुनिया के, दीन के, मुआश के, फैमिली लाइफ के, सोशल रिलेशन के, अगर मेरे आपके काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हैं, तो इंशाअल्लाह हर लम्हा, हर कदम क्या हो रहा है, जन्नत के बोलो। और अगर हर काम, हर लम्हा, हर कदम उनकी नाफरमानी में है, तो फिर हम किधर जाए? इसी बात पे बात खत्म कर रहा हूं अल्लाह के लिए। अब वक्त है अपने गियर्स को सीधा करने का। वो वक्त आने वाला है, चाहेंगे लेकिन इजाजत ना हो। एग्जामिनेशन हॉल में जब पर्चा, उसका वक्त ओवर हो जाए, अब वो कहे मुझे बड़ा अच्छा जवाब याद आया है, तो पर्चा वापस देंगे? धक्के देके बाहर निकालेंगे। और यहां रिश्वत भी है और क्या कुछ है, वहां कुछ भी नहीं। जब मौत का फरिश्ता आया, द टाइम इज ओवर। अल्लाह के लिए मैं आप रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, उस वक्त के आने से पहले जायजा लें। जो जो कदम उल्टी सिमत पे है, उसको अल्लाह के फजल व करम से सीधा करें। और वो अल्लाह वो हैं, जब हम अपने कदमों को सीधा करेंगे, वो उल्टे कदमों को न सिर्फ सीधा करेंगे, उल्टे कदमों की न सिर्फ मुआफी देंगे, बल्कि मुआफ करने के साथ उतने ही कदम सीधी राह में हमारे लिए और ज्यादा कर देंगे। अल्लाह मुझे आपको हदायत दे, जन्नत की राह पे लाए, और जन्नत की राह पे लाए, और जन्नत से जो दूर हो चुके हैं वो अल्लाह मुआफ करके उतना ही ज्यादा हमें अपनी रहमत से जन्नत से करीब फरमा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।